एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे जवाब देने। तो सबसे पहले आपको याद दिला देती हूँ, जिसने अभी तक हमारा गाना नहीं देखा है कुछ रातें, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड पे गाना देखिए और वहाँ अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले गोलू पढ़ने जा रही है पहला कमेंट है नेहल सानी का, टुडेज मेकअप इज स्टनिंग, लव यू बोथ। हाँ जी बिल्कुल, हमें भी कल का मेकअप बहुत अच्छा लगा था गाइस, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट्स नए थे और दूसरा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे बाय डे, अपना मेकअप में जो है इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, हम लोग अभी घर में सीख रहे हैं, फिर हम जो है अच्छी क्या कहते हैं उसको अच्छी क्लास कोई इनरोल करेंगे, कोई अच्छी क्लासेस, ताकि जो हमारा मेकअप है ना वो और ज्यादा अच्छा हो जाए और प्रोफेशनल हो जाए। और इन फ्यूचर लाइफ में, मतलब अभी तो नहीं, 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद हम अपना खुद का एक स्टूडियो खोलेंगे, सिर्फ मेकअप स्टूडियो। तो उसी के लिए हम ये जो है तैयारियां अभी से शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है ऋषा जैन जी का, कहां से लिया है अरमान सर का ग्रीन कलर वाला, प्लीज बताइए। अच्छा, जो चीकू के पापा कल लेकर आए ग्रीन, तो गाइस ये चंडीगढ़ में कहीं से लिया उन्होंने। हाँ। मैं को हमें लोकेशन नहीं पता, बिकॉज हम नहीं गए थे वहाँ पे, डीके भैया और चीकू के पापा गए थे, क्योंकि डीके भैया को शॉपिंग करनी थी, वो अपने सारे ठंड के कपड़े ना घर पे छोड़ के आ गए थे, उनके पास ठंड के कपड़े नहीं थे, तो डीके भैया को चीकू के पापा लेके गए थे। अब हमें नहीं पता कहाँ से ले थे, पर फिर भी हम पूछ के आपको नेक्स्ट कमेंट वाली वीडियो में बता देंगे। तो नेक्स्ट कमेंट है विनीता खाखरे का, हाय दी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप मेकअप अवॉइड किया करें, प्रेगनेंसी में हमारी स्किन चेंज होती रहती है, हम चाहते हैं कि आप हमेशा ब्यूटीफुल रहो। मैं इतना कमेंट नहीं करती बट मेकअप आज जरूरी लगा तो किया, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। ये बात तो बिल्कुल सही बोली विनीता जी ने कि जो स्किन है ना वो चेंज होती रहती है। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना कंसर्न रखने के लिए विनीता जी, पर देखिए अभी हम घर पे हैं तो हमने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। हमें जब कहीं बाहर जाना होता ना, जैसे क्योंकि बाहर अगर हम ऐसी शक्ल लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें देखते हैं, और खुद को भी एक वो लगता है प्रेजेंटेबल अगर हम बन के ना जाए निकले ना घर से, तो खुद को भी ऑकवर्ड फील होता है कि यार हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। इसलिए हम ना थोड़ा मेकअप करके निकलते हैं जब भी जाना होता है। फिर क्या होता है, अगर हम कोई नई ड्रेस पहनेंगे ना मेकअप ना ऑफिस पे, तो वो ड्रेस की लुक नहीं करेगी, इसलिए हमें मेकअप बाहर निकलते हुए करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है एवीडी का, चीकू का दिल कितना साफ है, वो बोल रहा है कि पायल मम्मी के लिए भी खाना ले लो बैग में। चीकू ने काफी अपने ब्लॉग में बोला होगा तेरे लिए, अच्छा अच्छा खाना लेने को। अच्छा हाँ, चीकू मेरा और गोलू का ना बहुत ख्याल रखता है, जब भी वो ट्यूशन में कुछ भी नया खाता है, कुछ वो अलग खाता है ना, तो मैम को बोल देता है कि मम्मी के लिए भी पैक कर दो। तो नेक्स्ट है डिंकी भोला का, यार खाने पीने के एंजॉय करो, यही दिन है, नजर ना लगे, बस तभी खाओगे पियोगे तभी तो बच्चे को लगेगा, खाना अच्छा अच्छा खाओ, गोलू जी तो बिल्कुल ना नजर लगाओ, यार थोड़ा थोड़ा तो खाती, अच्छा गोलू जी को बिल्कुल ना नजर लगाओ, थोड़ा थोड़ा तो खाती है वो। अच्छा वो कल हमने वो मक्के की रोटी ज्यादा खाया, तो गाइस वो बहुत टेस्टी था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, साथ में गुड़, साथ में व्हाइट मक्खन, और हमने 2 बार खाया था, मैं खा रही थी, फिर गोलू ने बोला कि हाँ एक चलेगी, तो मैंने इसको भी खिलाया था। तो नेक्स्ट है सोनिया आनंद जी का, गोलू जी आपका मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है और आई शेडो बहुत अच्छी लग रही है, आप कल पायल ने भी मुझे बोला ब्लॉग में, तो पायल बहुत ही कम तारीफ करती है मेरी, बट कल पायल ने मेरी 2 बार तारीफ करी तो याद है मुझे। हाँ कल इसका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा खुद का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने जो प्रोडक्ट मंगाए हैं वो मंगाए हैं कहाँ से, क्यूटी ब्यूटी से। अगर आपको भी वो प्रोडक्ट मंगाना है तो आप मंगा सकते हो, अच्छा रिव्यू हमारा। और जो इसकी आई शेडो की बात करें ना, मैंने उन्हीं की ब्लेंडिंग वाली आई शेडो पैलेट है, ब्लेंडिंग गेम इस पे लिखा है, उसी की आई शेडो यूज की थी, बहुत अच्छी है। बस मैं भी चाहती हूँ कि धीरे धीरे ना हमारा आई मेकअप में हाथ साफ हो जाए, पहले तो हमारा बेस बहुत ही क्रैकी बनता था, अब बेस पे हाथ साफ करा है, बस यही है कि घर बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ करते रहे ताकि दिमाग भी चलता रहे और साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे। तो नेक्स्ट है मेघाधर का, पायल जी एक चीज देखने में बहुत अच्छी लगी कि आपने छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशियां ढूंढ लेते हो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी बड़ी जगह या बड़ी बड़े अच्छे या रेस्टोरेंट में खाना खाओ तो आपको ठीक लगे, कुछ भी कैसा भी हो हर जगह खाना खा लेती हो, सो क्यूट। मेरे को ना गाइस ज्यादातर ना जैसे रोड साइड फूड होता है ऐसा, ये सब मुझे ज्यादा पसंद है, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो मुझे वहाँ इतना पसंद नहीं होता। चीकू के पापा इतनी बार बोलते हैं कि चलो कुछ खिला के लाता हूँ, पर हम मना कर देते कि नहीं, क्योंकि वो ना हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाने देते स्टार्टिंग से, शुरुआत से, या अभी नहीं है शुरुआत से, उनको ये होता है कि नहीं स्ट्रीट फूड नहीं खाना, पर जो टेस्ट स्ट्रीट फूड में होता है ना वो कहीं नहीं होता, वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में आप खाओगे वो टेस्ट लेस हो जाता है फिर बाद में, इसलिए हमें ना ये छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी जगह से खाना बहुत पसंद है। तो नेक्स्ट है कविता शर्मा का, पायल गोलू यू लुक सो ब्यूटीफुल इन ब्लेजर एंड ऑसम मेकअप टू, तो थैंक यू सो मच गाइज, एक वो भी टाइम था जब आप हमारे मेकअप के लिए कमेंट करते थे कि ब्लशर कर रहे हो ज्यादा लग
ब्लशर ज्यादा लगा रखा है, इतना मेकअप क्यों करते हो, तो अब हमने उसको जो है वो कमेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए मेकअप सीख रहे हैं। हाँ। और बाकी रही ब्लेजर की बात, वो हमने यहाँ से पास से लिया था सेक्टर 22 से, एकदम जबरदस्त ब्लेजर है, क्योंकि ना हम लोग जारा भी गए थे, H&M भी गए थे, बट वहाँ पे ना मैं बता देती हूँ गाइज, जारा गए थे हम, H&M गए थे, वहाँ पे हमने कोट और ऑनलाइन भी हमने विंडो शॉपिंग में भी देखा था लॉन्ग कोट, तो लॉन्ग कोट्स की ना रेंज इतनी ज्यादा थी, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 7,000, कोई 5,000, तो हमने सोचा कि यार एक कोट लेना इतना महंगा कोई वर्थ का नहीं है, तो फिर इसलिए हम 22 मार्केट गए थे, और वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर कोट थे, जिसमें से जो मैंने पहना था वो अराउंड 2,000 की रेंज में था, जो गोलू ने पहना था वो 3,000 की रेंज में था, वो थोड़ा लॉन्ग था, तो अगर आप भी चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं जाके। तो नेक्स्ट है डिंकी भोला जी का कमेंट, आपका कमेंट मैं पढ़ती रहती हूँ डिंकी जी, ये सेकंड कमेंट पढ़ रही है, तो इससे पहले भी पढ़ा है। अच्छा, तो भगवान करे नितिन चाचू को बहुत अच्छी अच्छी चाची मिले, अच्छी नहीं, एक ही चाची चाहिए, एक ही चाहिए, अच्छी अच्छी चाची मिले और आप लोगों के साथ मिलजुल के रहे, नितिन को बहुत प्यार करे, नितिन है ही प्यारा बेटा, देखो हमारे साथ तो मिलजुल के बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, बाकी हमें नितिन भैया के लिए एक अच्छी सी सुशील संस्कारी प्यारी गुड़िया चाहिए, कन्या चाहिए, थोड़ी चाहिए तो कन्या चाहिए, अगर किसी को स्वयंवर में भाग लेना हो तो कमेंट करना गाइस, और वो कमेंट मैं यहाँ पे आके जरूर पढ़ूंगी, तो कमेंट करना जिस जिस को स्वयंवर में शामिल होना है। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रीति यादव का, पायल जी आपको बाजरे की रोटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपके बेटा होगा, देखते हैं गाइस, वो तो टाइम पे पता लगेगा। नेक्स्ट है कृषिका जांगड़ का, आप बहुत मिर्ची खाते हो इसलिए आपकी तबीयत हर 2 दिन में खराब होती है, इट्स प्रेगनेंसी, इट्स नॉट सेफ गाइस, मैं और पायल जी मिर्ची खाते ना, हम ना मोटी वाली मिर्च खाते हैं, वो नाम की मिर्च होती है, तो बिल्कुल भी उसमें स्पाइस नहीं होता है, बस एक टेस्ट के लिए खाते हैं, अब तो हमने छोड़ दिया, पहले हम हरी मिर्च कितनी खाते थे, बहुत खाते थे शुरुआत की प्रेगनेंसी, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा तीखा खाती थी, अब तो मैंने कम कर दिया है। तो नेक्स्ट कमेंट है राधिका माथुर का, प्रेगनेंसी में बाजरे की रोटी मत खाओ, बहुत गर्म होती है, थोड़ा ध्यान रखो। तो हमने ना गाइस एक रोटी का जो चौथा हिस्सा होता है, मतलब कि एक रोटी के 4 हिस्से होते हैं, तो मैंने और पायल ने आधा आधा खाया था ना, हाँ हमने बाजरे की रोटी एक मतलब आधी आधी खाई थी, और मक्के की रोटी जो थी ना वो हमने एक दो खाई। तो नेक्स्ट कमेंट है नेहा देवी का, दी आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, अरमान भाई की ड्रेस बहुत बहुत अच्छी लग रही है, आप जो भी ड्रेस खरीदते हो वो बहुत अच्छी लगती है, मैं नेहा, थैंक यू नेहा। और देखो जो गोलू की ड्रेसेस और मेरी ड्रेसेस होती हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम मैं पसंद करती हूँ, गोलू भी पसंद करती है, लेकिन चीकू के पापा के जो पसंद होती है वो खुद की होती है, उनके कपड़े हम नहीं लाते क्योंकि उनको हमारे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, तो हम उनके लिए शॉपिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मिताली पटेल का, अरमान जी क्यों नहीं आते आपके साथ घूमने, अरमान जी इसलिए नहीं आते हैं, नहीं अभी नहीं आते, पहले तो आते पहले आते थे, क्योंकि अरमान जी बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हैं, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, अरमान जी जिम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनका एक गाना आने वाला है जिम का, बहुत ही बढ़िया, जो कि उन्होंने खुद गाया है, वो उस पे काम कर रहे हैं, वो स्टूडियो जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, फिर वो बाकी भी काम देखते हैं सारा, और अभी हमारे घर में अनुज भैया नहीं है तो बाकी सारे काम भी वो देखते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जारा शाह 24 का, मैं तो रोज सुबह पहले इनके सब्सक्राइबर देखती हूँ और इंतजार में हूँ कि कब इनके 10 मिलियन होंगे। जारा जी थैंक यू सो मच, आप इतने कंसर्न हो हमारे 10 मिलियन के लिए, तो आपकी दुआ रहेगी और सबकी दुआ रहेगी, तो हमारे जो 10 मिलियन है वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे पूरे, और मेरे हिसाब से इस वाले चैनल पे 2 लाख है, इस वाले को 2 लाख सब्सक्राइबर हैं शायद, याद नहीं, तो अगर आप सारे सब्सक्राइबर आज ही जाके सब्सक्राइब कर लोगे ना तो जल्दी हो जाएंगे जी। तो नेक्स्ट कमेंट है अंजलि शर्मा का, प्लीज टेल द वेबसाइट जहाँ से आप अपने फर वाले नाइट सूट ऑर्डर करते हो। तो गाइस जितने भी नाइट सूट हम पहनते हैं ना, तो हम लोग ना टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप उन्हें जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो और वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि एक जगह स्पेसिफाई नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है शायद भोकरी का, चीकू को टॉयज के लिए मना नहीं करना, टॉयज से बच्चे कुछ ना कुछ लर्न ही करते हैं, कपड़ों और ग्लासेस का क्या है, बिल्कुल सही बात है वैसे ये, जैसे कल चीकू ने वो कठपुतली ली थी तो वो कठपुतली चलाना सीखा था, वो खेलता है, कार्ड्स भी लेता है, कार्ड्स भी खेलता है, पर वो क्या है ना चीजें संभालता नहीं है, इसलिए हम उसको टॉयज के लिए ना मना करते हैं, उसकी गलती भी नहीं है, वो क्या करता है, वो चीज में उसके हाथ में होती है, तो वो मेरी तरह है, जैसे ना मेरे को पायल ने बोला गोलू ने नया कपड़ा पहना है, तो मैं कुछ नहीं करती उस नए कपड़े के साथ, मुझे नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली कपड़ा फट जाता है या उस पर कुछ गिर जाता है, मैं कपड़ा खराब कर देती हूँ, तो ऐसे ही चीकू के साथ है, वो टॉय के साथ कुछ भी नहीं करता बेचारा, उसके हाथ से अपने आप टूट जाता है। तो नेक्स्ट कमेंट है शिखा सिंह राजपूत का, इस साल ही नितिन कर दो नितिन भाई की शादी,
बिल्कुल हम सोच रहे हैं इस साल तो नहीं पाएंगे, इस साल नहीं तो अगले साल नितिन की शादी का सोच रहे हैं। चीकू को भी चाची मिल जाए इस साल। देखो अभी गाइस ये साल तो हमारा बहुत बिजी जाएगा, बच्चे भी है, ये इसको 4 महीने रह गए, मेरे कुछ 5 महीने रह गए, ये साल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि शादियों की सारी तैयारी हमें खुद करनी पड़ेगी स्वयंवर की, तो बच्चों को ले लेके कैसे तैयारी करेंगे हम। तो मुझे लग रहा है अगले साल ही हो पाएगा, अगले साल हो जाएगा, पर हम उसकी तैयारियां लड़कियां देखना वो सब शुरू कर देंगे। तो बस आज का जो कमेंट था ये लास्ट था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।